हेलो दोस्तों, मैं सम्राट सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BNMU का बंटवारा हो चुका है, इसके लिए पूर्णिया में भी विश्वविद्यालय खुल चुकी है। अभी तक जुलाई सेशन तक का जो भी एग्ज़ाम है इसका आयोजन BNMU ही करेगा, और इसके बाद जुलाई सत्र के बाद से जो भी एग्ज़ाम होगा पूर्णिया के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों का वह पूर्णिया यूनिवर्सिटी ही आयोजित करेगी। तो आइए जानिए इस पूरे न्यूज को। जुलाई सेशन की सभी परीक्षाएँ BNMU ही लेगी, इसके बाद नए सत्र की परीक्षा पूर्णिया विश्वविद्यालय आयोजित करेगी। इस बात की जानकारी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार ने दी है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि राजभवन में बुधवार को BNMU और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि जुलाई तक की सभी परीक्षा BNMU ही लेगी, क्योंकि छात्र का रजिस्ट्रेशन वहीं से हुआ है। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय को लेकर कुला अधिपति सतपाल मलिक ने 11 अप्रैल को फिर पूर्णिया विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को राजभवन बुलाया है। बता दें कि BNMU से अलग हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय में कुलपति के पदभार ग्रहण करने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो परीक्षा होगी वह पूर्णिया विश्वविद्यालय ही लेगी, लेकिन बुधवार को यह संशय खत्म हो गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय नए सत्र से परीक्षा का संचालन करेगा। तो आप लोग जान ही चुके हैं कि अभी तक जो भी स्टूडेंट BNMU से रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसका जो है एग्ज़ाम BNMU ही लेगी, और इसके बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उसका आयोजन पूर्णिया विश्वविद्यालय ही लेगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की जानकारी हेतु मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।